वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे वो सभी फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट टी से। हमने आपके लिए एक पूरी सीरीज बनाई है अल्फाबेट ए से अल्फाबेट जेड तक, जिसमें हमने ए से शुरू होने वाले सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कवर किए हैं। बी से सी डी इस तरह से हम करते गए हैं। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये अल्फाबेट टी से रिलेटेड है और टी से शुरू होने वाले सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए कवर किए गए हैं। ये काफी डिटेल में है। द सेम प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट वन। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि आप परिवार के किसी अन्य बड़े सदस्य की तरह दिखते हैं, या तो आप उसकी तरह दिखते हैं या आपकी उसकी आदतें उसके जैसी हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं टेक आफ्टर। द बॉय हैज टेकन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, रिजेंबल और यू हैव सिमिलर पर्सनैलिटी। वॉट डू यू थिंक सैंडी टेक्स आफ्टर, वॉट डू यू थिंक सैंडी टेक्स आफ्टर हर फादर और हर मदर। नेक्स्ट है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको पार्ट्स जोड़ जोड़ कर आप सेट करते हैं, उसके बाद जब आप उसको सेपरेट करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, पार्ट्स को अलग अलग करते हैं, तब हम कहते हैं टेक अपार्ट। जैसे जूसर मिक्सर है, उसके सभी पार्ट्स आप फिट करेंगे तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, लेकिन जब अलग करके रखेंगे तो टेक अपार्ट। इट मीन्स इफ यू टेक अपार्ट समथिंग यू सेपरेट इट इन टू पीसेज, इट्स मेड ऑफ टू डिसमेंटल। I took my bicycle apart so that I could clean each part. Bicycles, engines, motors, appliances, toasters, fans, juicer mixers, etc. इन सभी को हम take apart कर सकते हैं। Take away and take back. Take away का मतलब होता है वहां से किसी चीज को हटाना। It means if you take something away, you take it somewhere else to remove. The waitress took away the dirty dishes and then brought our coffee to the table. The nanny, nanny कौन होती है? जो छोटे बच्चों की देखभाल करती है उनको nanny कहते हैं। The nanny took away the sleeping child and put him on the bed. Take back. Take back का मतलब होता है, it means if you take something back, you return it to the place you got it from. आप जहां से लाए थे वहीं लौटाना, और return it to the shop you bought it from. According to the store's website, if you change your mind after you have bought something, you can take it back and get a refund. Take back का एक और मतलब है, take back का मतलब होता है वापस लेना। वापस लेना, आप अपने शब्द वापस ले सकते हैं, आप अपनी कोई स्टेटमेंट वापस ले सकते हैं। इट मीन्स इफ यू टेक बैक समथिंग यू सेड, यू एडमिट दैट यू सेड वॉज रॉन्ग एंड विड्रॉ योर कमेंट। वापस लेना। He apologized and took back his statement when his mother made him realize it. Made him realize his mistake. Take in का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समझना, to understand completely. जब आप किसी चीज को पूरी तरह से समझेंगे तो हम कहेंगे take in. It means to fully understand something you hear or read, grasp करना, उसको समझना. I had to read the question a second time to really take in what it meant. Take off. यहां पर take off के दो meanings दिए हुए हैं और इसके अलावा भी take off जो phrasal verb है उसके बहुत से meanings होते हैं, वो cover करेंगे। सबसे पहला take off का मतलब होता है कि कोई कपड़ा आपने जो पहना हुआ है, cap, जूते etc., उन सबको उनको उतारना। It means to remove a piece of clothing. Take off your shirt. Take off your shoes. और द टॉप ऑफ अ कंटेनर, किसी चीज के ऊपर से उसकी जो कैप है, ढक्कन है, उसको उतारना, टेक ऑफ। इफ यू गो टू अ टेम्पल यू शुड टेक ऑफ योर शूज बिफोर गोइंग इन। टेक ऑफ शर्ट्स, टेक ऑफ शूज, टेक ऑफ क्लोथ्स, टेक ऑफ अ हैट। जनरली जेंटलमैन जब किसी लेडी को देखते हैं, दे टेक ऑफ देयर हैट्स, टेक ऑफ ग्लासेस, लिड्स, कैप्स एटसेट्रा। यहां पर जो दूसरा टेक ऑफ का मतलब है, ये एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं, जब वो जमीन से हवा में जाते हैं तब वो टेक ऑफ करेंगे। आप बहुत बार इस तरह से न्यूज पढ़ेंगे अखबारों में कि प्लेन क्रैश कब हुआ, वो टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ या टेक ऑफ के दौरान एक्सीडेंट हो गया, टेक ऑफ के दौरान एक व्हील हट गई। इट मीन्स इफ अ प्लेन टेक्स ऑफ इट लीव्स द ग्राउंड एंड टेक्स राइजेस टू द स्काई। The helicopter took off and rose straight up into the sky. Take off. Take off का मतलब होता है छुट्टी लेना। Take off का मतलब ये भी होता है to take leave, छुट्टी लेना। जब आप छुट्टी लेंगे तब हम कहते हैं taken off. It means to have a period of time away from work.
माई डॉक्टर सेज आई नीड टू टेक अ वीक ऑफ एंड रेस्ट। टेक ऑफ का मतलब ये भी होता है बहुत छोटे समय में बहुत जबरदस्त कामयाबी पाना, एक छोटे से टाइम पीरियड में, या जब हम ऐसे कहते हैं ना कि अब बस चलने ही वाली है कोई चीज, वो कामयाब होने ही वाली है, तब भी टेक ऑफ का प्रयोग होता है। इट मीन्स टू बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट टाइम। सेल्स ऑफ द बुक टेक ऑफ आफ्टर इट वॉज मेड इन टू अ मूवी। बिजनेस कैन टेक ऑफ, सेल्स टेक ऑफ, रेटिंग्स टेक ऑफ, पॉपुलरिटी, आइडिया, स्टाइल, स्पोर्ट, ऑल दीज विल टेक ऑफ। Take on means if you take on something like a job or responsibility of anything involving a challenge, you agree to do it. Take on का मतलब होता है to agree to do something. जब आप सहमत होते हैं कि ठीक है मैं ये काम करूंगा, तब हम कहेंगे to take on. Jim took on too much work and he made himself sick with worry when he couldn't cope with it all. I have taken on making 10 video lectures a day. Yani ki maine commitment ki hai main ek din mein 10 video lecture banaungi. People take on work, people take on jobs, responsibilities, tasks, challenges, role, position, duty, assignments, etc. It means to give someone a job, employ someone. जो दूसरा टेक ऑन का मतलब होता है किसी को रोजगार देना। जब आप किसी को काम पर रखते हैं तो टेक ऑन, यू आर टेकिंग हिम ऑन। वी नीड टू टेक ऑन टू मोर एम्प्लॉइज टू कंप्लीट द वर्क ऑन द डेडलाइन। टेक ऑन, यहां पर टेक ऑन का मतलब होता है चुनौती देना किसी को, किसी को चुनौती देना, किसी के खिलाफ खड़े होना, टू स्टैंड अगेंस्ट समबडी, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं टेक ऑन। इट मींस टू फाइट, टू कंपीट अगेंस्ट समवन, चैलेंज एटसेट्रा। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। अगला है हमारा टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है, इट मींस इफ यू टेक समबडी आउट, यू इनवाइट देम टू गो आउट विद यू, यूजुअली फॉर अ मील और एंटरटेनमेंट। जब हम कहते हैं ना किसी को बाहर घुमा फिरा कर लाना, खाना खिला कर लाना, तब ये यूज होता है टेक आउट। वी आर टेकिंग आउट द चिल्ड्रन फॉर द वीकेंड। एज इट वॉज अ नेशनल हॉलीडे आई टुक द किड्स आउट। बॉयज लाइक टू टेक गर्ल्स आउट ऑन डेट्स, टेक आउट। टेक आउट का यहां पर एक और मीनिंग भी दिया हुआ है, आइए वो देखते हैं हम। टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है कोई लोन, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेना। आई हैव डिसाइडेड टू टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय वाइफ, अ पेटेंट एटसेट्रा। इफ यू आर गोइंग ओवरसीज, इट्स अ गुड आइडिया टू टेक आउट ट्रैवल इंश्योरेंस इन केस यू गेट रॉब्ड और हैव एन एक्सीडेंट। टेक आउट इज यूज्ड विद लोन, मॉर्गेजेस, इंजंक्शंस, इंश्योरेंसेस, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड समन्स। अगला है हमारा टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी कंपनी पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, गवर्नमेंट या टेरिटरी वगैरह पर आपका कंट्रोल होना। अ न्यू मैनेजमेंट हैज टेकन ओवर द कंपनी लास्ट ईयर। टेक ओवर, इट मींस टू बिगिन डूइंग अ जॉब और अ टास्क दैट समवन एल्स हैज डन प्रीवियसली। कोई काम कोई पहले कोई और इंसान कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहे, हो सकता है कोई कारणवश हो, तो उसकी जगह उसका काम करना, टेक ओवर। The vice president takes over the president if the president dies in office. अगर राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना काम न कर पाए, तो उनका काम उपराष्ट्रपति टेक ओवर करता है। ड्यूटीज टेक ओवर होती हैं, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, पोजिशंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल, रोल, लीडरशिप, कैप्टेंसी, ये सभी टेक ओवर होती हैं। टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। आप जब कोई नया काम, कोई न्यू जॉब वगैरह करने शुरू करेंगे, यू विल टेक अप। इट मींस टू स्टार्ट समथिंग न्यू लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट्स, डूइंग अ जॉब, परसुइंग अ हॉबी एटसेट्रा। ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही टुक इट अप एज अ हॉबी व्हेन ही वाज अ किड एंड नाउ ही मेक्स अ लिविंग फ्रॉम म्यूजिक। आप जो यू कैन टेक अप जॉगिंग, यू कैन टेक अप बाउलिंग, फोटोग्राफी, पोजिशन, पोस्ट एटसेट्रा। जब नया साल आता है, सभी मोटे और हेल्दी लोग क्या कहेंगे, ओके आई विल गो फॉर जॉगिंग एवरी डे। सो ही हैज टेकन अप जॉगिंग और ही हैज टेकन अप अ मॉर्निंग वॉक। टॉक बैक का क्या अर्थ है, यहां देखते हैं हम। इट मींस टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर गैप होगी, यहां पर भी गैप होगी। टॉक बैक का मतलब होता है कि किसी इंसान को जो आपसे एज में सीनियर हो सकता है, जो आपसे पोजीशन में सीनियर हो सकता है, उसको पलट कर जवाब देना और रूडली जवाब देना।
तब हम कहेंगे टॉक बैक. Some of the students were punished for talking back to the teachers. In Indian culture, it is rude to talk back to elders. Tear apart. Tear apart का मतलब होता है to destroy something by breaking into two or more pieces. किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, tear apart, rip apart. Sharks tear apart their prey. कुछ मछलियां वो अपने शिकार को बिल्कुल उसके चिथड़े उड़ा देती हैं. तो जो चिथड़े उड़ाना होता है वो भी tear apart ही है. Tear down and think of. Tear down का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को या किसी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद करना. Many people protested against the plan to tear down the town's old library. Building, shed, church, factories, shelter, fences, ये सभी tear down होते हैं. Think of का मतलब होता है कोई चीज आपके दिमाग में आना. It means to have something come to mind. I looked everywhere I could think of, but I still couldn't find my phone. Think of, it means to have an opinion about something or someone. इसका what do you think, अगर मैं think of के बाद किसी चीज का नाम लिखती हूँ, जैसे what do you think of shopping in Delhi? मान लीजिए मैं ये कहती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. What do you think of her? आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? What do you think of her holiday in Malaysia? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? It means to have an opinion about something or someone. What do you think of your preparation? आप अपनी तैयारी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी है कि आप clear करेंगे? Think over का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी प्लान के बारे में अच्छे से सोचना फैसला करने से पहले. It means to think carefully about something before making a decision. She said she needed time to think over our job offer. उसने कहा कि उसको हमारे प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए. Throw away and throw out. Throw away का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप उससे पीछा छुड़ा रहे हैं. To get rid of something you don't want. Generally, और या फिर गंदगी वगैरह जो हम बाहर फेंकते हैं और उस सब के लिए इस्तेमाल होता है throw away. Throw out, discard. Instead of throwing away his old clothes, he decided to give them to the needy. Junk, rubbish, garbage, old clothes, old furniture, ये सभी throw away होता है. Instead of throwing away leftover food, people feed it to animals. Throw out का मतलब भी यही है. It means to discard something you don't want by putting it into rubbish bin or garbage. My mother has thrown out all the unwanted stuff from the store. Throw out का यहां पर एक और है, आइए अब वो देखते हैं. It means to force somebody to leave something like a club, a college or school organization. जब हम किसी इंसान को किसी जगह से बाहर करते हैं, expel करते हैं, तब हम थ्रो आउट का प्रयोग करते हैं. स्कूल से थ्रो आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स अगर वो इनडिसिप्लिन फैलाते हैं तो क्लब वगैरह में अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते यू विल बी थ्रोन आउट. अगर आप किसी जगह पर मान ली शराब पीकर हंगामा करते हैं पीपल विल थ्रो यू आउट. इफ यू ब्रेक अ सिंगल रूल ऑफ द क्लब यू विल बी थ्रोन आउट इमीडिएटली. ही न्यू दे वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर इफ यू यूज ड्रग्स अगेन. Throw up का मतलब होता है vomiting हो जाना, उल्टी हो जाना. It means if someone throws up, they vomit up the contents of their stomach. After I had thrown up my lunch, I went to the hospital. Tidy up, ये देखते हैं अब हम. Tidy up का मतलब होता है किसी जगह को साफ सुथरा कर देना. Tidy का मतलब होता है साफ सुथरा. Don't forget to tidy up when you have finished. यहां पर टाइडी अप का मतलब होता है साफ सुथरा करना और बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइडी आउट यूज करते हैं कि यहां पर सब साफ करना ये गलत है. आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू टाइडी अप व्हेन यू हैव फिनिश्ड. टाई अप इट मींस टू टाई टुगेदर द एंड्स ऑफ समथिंग. लेसेस टाई अप होते हैं हमारे, दो चीजों को हम आपस में बांध रहे हैं. व्हेन अराउंड 2 years of age, children learn to tie up their shoe laces. Tie up, it means to make something busy with something. Tie up का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी होना, बहुत ज्यादा बिजी भी होना. I was tied up in meetings all afternoon, मतलब कि मैं उसी में बिजी था. She took a break from her career as she was too tied up bringing up her son, मतलब कि वो इस चीज में बिजी थी.
टच ऑन एंड टॉय विद। अगले है हमारे टच ऑन एंड टॉय विद। टच ऑन का क्या मतलब है? टच ऑन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जिक्र करना, टू स्पीक ब्रीफली अबाउट इट, टू स्पीक ब्रीफली अबाउट इट, दैट इज टू टच ऑन, जिक्र करना। द ओनली मेजर इशू दैट द प्राइम मिनिस्टर डिडंट टच ऑन वॉज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। टॉय विद का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोच तो रहे हैं पर बहुत गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, होता है टॉय विद। आर यू सीरियस अबाउट क्विटिंग योर जॉब एंड स्टार्टिंग योर बिजनेस और आर यू जस्ट टॉयिंग विद द आइडिया। जब आप किसी चीज के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते, टॉय विद, TOY, उसको खिलौने की तरह समझना, टॉय विद। ट्रैक डाउन एंड ट्राई ऑन। ट्रैक डाउन का मतलब होता है काफी लंबी खोज के बाद किसी चीज को ढूंढ निकालना, उसको लोकेट कर पाना, उसको लोकेट कर पाना। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च फाइनली ओसामा बिन लादेन वॉज ट्रैक्ड डाउन, मतलब उसको लोकेट कर पाए। आई मैनेज टू ट्रैक डाउन ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स थ्रू फेसबुक। ट्राई ऑन का मतलब होता है नए कपड़े जूते वगैरह पहनकर देखना कि क्या वो आपको ठीक से फिट हो रहे हैं, क्या वो आप पर अच्छे लग रहे हैं, दैट इज टू ट्राई ऑन। वन शुड ट्राई ऑन शूज बिफोर बाइंग देम। पीपल ट्राई ऑन क्लोथ्स, शूज, जीन्स, जैकेट्स, सनग्लासेस, रिंग्स एक्सेट्रा। ट्राई आउट एंड टर्न अराउंड। ट्राई आउट इट मीन्स टू टेस्ट समथिंग टू सी वॉट इट इज लाइक और टू सी इफ इट वर्क्स प्रॉपरली। ट्राई आउट का मतलब यही होता है किसी चीज को ट्राई करके देखना कि वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। आई वॉन्ट टू ट्राई आउट मेडिटेशन टू रिड्यूस माई स्ट्रेस लेवल। लोग सॉफ्टवेयर ट्राई करते हैं, प्रिंटर्स ट्राई करते हैं, फोन्स ट्राई करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज रूटीन ट्राई करते हैं, डाइट्स ट्राई करते हैं। टर्न अराउंड और टर्न राउंड इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो नाकाम हो रही थी अब उसका कामयाब हो जाना। इट मीन्स टू चेंज समथिंग अनसक्सेसफुल इनटू समथिंग सक्सेसफुल। द न्यू गवर्नमेंट्स लिबरल पॉलिसीज टर्न्ड अराउंड द इकोनॉमी, यानी कि जो पहले नाकाम थी, अनसक्सेसफुल थी, अब वो फाइनली सक्सेसफुल हो रही है, फ्रॉम अनसक्सेसफुल टू सक्सेस। टर्न अवे एंड टर्न बैक। टर्न अवे का मतलब होता है किसी को वहां से भेज देना, टू सेंड अवे समबडी और टू रिफ्यूज एंट्री टू। इट मीन्स इफ समथिंग टर्न्स यू अवे, यू डोंट अलाउ यू टू एंटर अ प्लेस। इट मीन्स इफ समवन टर्न्स यू अवे, दे डोंट अलाउ यू टू एंटर अ प्लेस। जब आप किसी इंसान को कहीं एंट्री नहीं कर देते और उसको वहां से भेज देते हैं कि जाओ यहां से, तब हम कहते हैं टर्न अवे। आई टर्न अवे द बेगर, आई टर्न अवे द फोर बॉयज लुकिंग फॉर अ जॉब। यू विल बी टर्न अवे एट द डोर बिकॉज यू डोंट हैव टिकट्स। टर्न बैक इट मीन्स टू रिटर्न इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू हैव कम, जहां से आप आए हैं उसी दिशा में लौट जाना, और टू मेक समवन डू दिस। The police was turning everybody back because the road had been blocked by a landslide. Turn down. यहाँ पर turn down के लिए दो meanings दिए हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। Turn down. Turn down का मतलब एक तो ये होता है कि volume को, गर्मी को, power को, इन सब को reduce करना। अगर TV की आवाज बहुत ज्यादा है, radio की आवाज बहुत ज्यादा है, तो मैं आपसे कहूंगी turn down the volume। इसका मतलब है reduce the volume. It means to reduce or lower the volume of an appliance. और generally कोई button होगा जिसको आप घुमाकर उसकी volume कम करेंगे। We had better turn down the volume or the neighbors will complain. Television की volume, TV की volume, air conditioner में हम turn down करते हैं, heater वगैरह में। और turn down का एक और meaning है, it means if you turn down an offer or a request, you decide not to accept it. जब आप किसी offer को अस्वीकार करेंगे, you will say, I will not accept it, then we will use turn down. The bank turned down my application for a loan because my papers were not complete. Offers, requests, appeals, proposals, invitations, applications, ये सभी turn down होंगी। Turn into and turn off. Turn into का क्या मतलब होता है? अब हम ये देखते हैं।
टर्न इनटू का मतलब होता है कायापलट होना, एक से दूसरे में टर्न होना। जब कायापलट होती है, इंफोसिस स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी बट सून इट टर्न्ड इनटू अ ह्यूज ग्लोबल कॉरपोरेशन। टर्न ऑफ, जब आप किसी मशीन को बटन वगैरह से बंद करते हो, उसका एक स्विच होता है जिसको आप बटन को बंद करेंगे तब टर्न ऑफ। इट मीन्स टू स्टॉप अ मशीन और एन अप्लायंस फ्रॉम वर्किंग बाय यूजिंग अ बटन और अ स्विच। Don't forget to turn off the air conditioner. Lights, computers, phones, television, heater, air conditioner, engine, motor, ये सभी turn off होते हैं। Turn on. Turn on का मतलब होता है किसी मशीन appliance वगैरह को start करना। अभी हमने turn off किया था, अब ये ठीक उसका उल्टा है, turn on. As soon as the kids get home, they turn on the TV and watch cartoons. Lights, computer, television, motor, air conditioner, heater, phone वगैरह सभी turn on होते हैं। Turn out. Turn out का मतलब होता है एक निश्चित outcome आना और to end in a certain way, एक निश्चित तरीके से end होना। If one keeps working hard, things generally turn out to be good. आखिरकार चीजें ठीक होंगी। Turn out. Turnover, it means to change the position of something so that the side facing down is now facing up. Turnover का मतलब होता है पलटना। जो चीज अब मान लीजिए कि ये ऐसे है, कोई ऐसे लेटा हुआ है और इस तरफ यहां उसका फेस है, जब वो पलटी मारेगा और उसका फेस नीचे की ओर हो जाएगा तो ये टर्नओवर होगा। इट मीन्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ समथिंग सो दैट साइड फेसिंग डाउन इज नाउ फेसिंग अप। After distributing the exam papers, I told my students to turn them over and start work. ऐसा होता है ना examination में कि आप जाएंगे तो आपका paper पलट के रखा होता है, फिर teacher कहेंगे कि ठीक है अब time हो गया आप अपना paper पलटिए और शुरू कीजिए, तो that is turnover. Turnover, it means to change your body's position when lying down so that you are facing the opposite direction. My back was aching and every time I turned over, it hurt. Turn up का क्या मतलब होता है? Turn up का मतलब होता है volume, heat, power, etc. जो है उसको बढ़ाना। We turned up the volume of the system and danced the whole night on New Year. Turn up, it means if someone turns up somewhere, वो वहां पर आए हैं जबकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। Turn up का मतलब है किसी इंसान का वहां होना और जबकि उन्होंने किसी को बताया नहीं, उनको किसी ने बुलाया नहीं, अनएक्सपेक्टेडली वो वहां आ गए। Turn up. The chief guest turned up an hour late. Turn up का सिंपल अगर हम आपसे कहें तो came हो सकता है। और इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन थी अबाउट फ्रेजल वर्ब्स बिगनिंग विद टी, ये खत्म होती है। द सेम प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज है पिनाकल की ओर से, फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, क्योंकि आजकल फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिल इन द ब्लैंक्स में काफी आते हैं, स्पॉट द एरर में काफी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काफी आते हैं, तो आपके लिए ये एक पूरी सीरीज बनाई है पिनाकल ने और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।